नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज टू में जिले के 24,249 पात्र हितग्राहियों को बांटे जाएंगे निःशुल्क गैस कनेक्शन। विधानसभा अध्यक्ष ने संजय गांधी की ओपीडी का किया निरीक्षण, ली समीक्षा बैठक। 4 घंटे तक थाने में बैठी रही पीड़िता, नहीं दर्ज हुई FIR। SP के पास गुहार लेकर पहुंची पीड़िता, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। खबरें अब विस्तार से। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज विधानसभा अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज के डीन सहित वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक ली। इस दौरान रीवा संभाग आयुक्त अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजे टीवी मौजूद रहे। बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने OPD भी देखी और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में विधानसभा अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की। तकरीबन 2 घंटे तक बंद दरवाजे के अंदर विधानसभा अध्यक्ष व चिकित्सकों के बीच अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होती रही। मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों के लिए TV एवं डिस्प्ले लगाने की बात कही गई है। जो पंखे लगे हुए हैं उनके स्थान पर बड़े पंखे लगाए जाएं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें जल्द सुधार करने की बात कही है, साथ ही आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की गुणवत्ता को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहे हैं। नवनिर्मित बिल्डिंग की कब सीलिंग गिर जाए और कब कौन उसकी चपेट में आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। आए दिन हो रही घटनाओं के बावजूद निर्माणाधीन कंपनी के ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोगों को गंभीर रोगों से निजात दिलाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था, लेकिन यहाँ आज भी वही हाल है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। वहाँ के पदस्थ कुछ चिकित्सकों के द्वारा यही किया जाता है और उनसे काफ़ी मात्रा में धन का सौदा भी होता है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष से पूछे जाने पर या तो वो इस प्रश्न को समझ नहीं पाए या फिर वो अभी जवाब नहीं देना चाह रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये चिकित्सकों का राइट है। प्रस्तुत है इस संबंध में गिरीश गौतम, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, एक तो निरीक्षण किया है, दूसरा एक समीक्षा बैठक की है। निरीक्षण में छोटी छोटी जैसे लगता था कि सुधार होना चाहिए, जैसे वहाँ मरीज आते हैं केवल एक बेंच लगी हुई है, अभी 3 बेंच का कहा कि 3 लाइन का रो करो और एक डिस्प्ले बनना चाहिए जिससे मरीज को पता चले हमारा नंबर कब है। तीसरा, बड़े पंखे करो, हवा उनको आवे। तीसरा, TV लगाओ जिससे लोग बैठे रहें तो उकताए नहीं, कम से कम वो प्रतीक्षा करते हुए देख सकें। एक तो ये कर दिया। नहीं, अभी उसको भी कहा मैंने, उन विभागों को कहा है कि जो सीपेज है, सीपेज रोकने के जो तरीके हो सकते उसको अडाप्ट करो। जैसे अपन ऊपर दे 3 सेट लगा दें तो शायद सीपेज बंद हो जाए, तो जो छत उखड़ती है वो बंद हो जाएगी। ऐसा करने का बहुत सारा सुधार करने के लिए कहा गया है और उसमें मैं समझता हूँ कि 1 महीने बाद जब मिलेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा सुधार दिखाई पड़ेगा। वो तो कानूनी है उनका प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस वाला अभी अपन रोक नहीं पाए। नहीं, उसके कारण समझिए, सुपर स्पेशलिटी में जिनकी हमने भर्ती की है उनको हम 1,60,000 1,70,000 दे रहे हैं और जो हमारे यहाँ डॉक्टर इनको 80,000 85,000 दे रहे, तो ये फर्क तो है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के पात्र हितग्राहियों को आज निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। नगर निगम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला व सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के हाथों गैस कनेक्शन वितरित किए गए। आपको बता दें कि नगर निगम हाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत निःशुल्क गैस वितरित करने का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कोरोना काल की वजह से उज्ज्वला योजना धीमी पड़ गई थी, परंतु एक बार पुनः इस योजना को रफ्तार मिल गई है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित
भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह की उपस्थित में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना फेज टू के तहत रीवा जिले में आज से 24,299 पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन का वितरण शुरू हुआ है। समारोह में वर्चुअल माध्यम से जबलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ कर चुके हैं। निःशुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त कर लोगों में खुशी देखी गई। पूर्व से तय इस कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने प्रत्येक गैस एजेंसियों में हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदाय करने, समीक्षा एवं पर्यवेक्षक के लिए गैस एजेंसीवार 36 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश सहित आज पूरे जिले में निःशुल्क गैस वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिले के अन्य विधायकों के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस सेवा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में 36 गैस एजेंसियां हैं, जिसके द्वारा पहले दिन सभी एजेंसियों द्वारा 100-100 पात्र हितग्राहियों को ये सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें रीवा शहर से आज 700 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस वितरण किया गया है। इस दौरान रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, निगमायुक्त मृणाल मीणा एवं गैस एजेंसियों के मालिक सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सिलेंडर में भोजन बनाने के लिए उनको मौका मिले, इसके उन्होंने उज्ज्वला योजना बनाई और 8 करोड़ से ज्यादा देश की माताओं बहनों को, गांव गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, जो सिर में लकड़ी का गट्ठर लेके और वन विभाग वालों से छुपते छुपाते लकड़ी ढो के अपने घर में पहुंचा के और चूल्हे जला के और भोजन बनाती थी, उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटने का अभियान शुरू किया। 8 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को उन्होंने पहले चरण में मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया है। अभी भी उनको मालूम है कि और ऐसे तमाम योजनाएँ जिसमें केंद्र से भी पैसा आता है, उसके लिए मैं सांसद जी को भी बधाई देता हूं। और आज नगर निगम परिसर में मैं रीवा विधानसभा के विधायक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चार घंटे तक थाने में बैठी रही युवती, दर्ज नहीं हुई मारपीट की FIR। गुहार लेकर पहुंची SP के द्वार, मारपीट का वीडियो आया सामने। रीवा के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत रौली गांव से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर युवक के द्वारा युवती के साथ जबरदस्त मारपीट की गई। आपको बता दें कि मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती की पुकार नहीं सुनी गई और वो 4 घंटे तक बिना कार्यवाही के थाने के बाहर बैठी रही। अंततः थकार कर वह अपनी समस्या का रोना रोने SP के पास पहुंची, तब पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। वहीं मामले पर अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के द्वारा युवती को घसीट कर पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच इन दिनों हर रोज दहशतगर्दी का खौफनाक वीडियो सामने आ रहा है और
पुलिस प्रशासन औपचारिक कार्यवाही कर अपराधियों को खुलेआम सड़कों पर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से बेखौफ होकर बदमाश घटना को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है तरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत रोली गांव से, जहां गांव के एक बदमाश के द्वारा युवती के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा के साथ मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले पर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती को तकरीबन 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और उसकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद अपनी समस्या लेकर वह आज SP कार्यालय पहुंची, जहां SP से मुलाकात के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने आरोपियों से किराए पर शटरिंग ली थी, जिसका भुगतान नहीं किए जाने के कारण आरोपियों के द्वारा घर के बाहर गाली गलौज की गई और मना करने पर आरोपी युवती के साथ मारपीट करने लगे, जिस पर मारपीट का वीडियो पास में ही खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा बना लिया गया और अब युवती के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रस्तुत है पीड़िता एवं एडिशनल SP शिवकुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कल दोपहर 1:30 में घर के पास बर्तन मांज रही थी तो ऋषिकेश द्विवेदी और धीरेन्द्र तिवारी ने मेरे घर के आसपास गाली गुत्ता देने लगे, मेरे पापा को गाली देने लगे और माँ बेटी खूब गाली दे रहे थे और वहाँ पास से फिर निकल गए, मतलब कुआं के पास चले गए और हम लोग फिर नहाने गई तो वो धीरेन्द्र कुमार तिवारी ने बोला, हमने उससे कुछ नहीं बोला तो भी वो बोला तुम किसी को गाली दे रही थी, बोले किसी को गाली नहीं दे रही थी, आप लोग ने गाली दे रहे थे कि मैं गाली दे रही थी। फिर वो मेरे को एक लात मारा, धीरेन्द्र कुमार तिवारी ने लात मारा मेरे को, तो मैं बोला क्यों मार रही है भैया, तो वो ऋषिकेश द्विवेदी बोला और मार ये कुम्हारी, इसके खूब गंदी गाली देने लगे और फिर मैं बोले घर आ रही थी, पापा को बुलाने, पापा नहीं घर में थे, फ़ोन लगवाने आ रही थी तो बोले तेरे को अभी बताती हूँ, तेरे घर वाले तेरे भाई बहन भाई सबको माँ बाप को गाली देने लगे और बोले आज तो तेरी जान की खतरा है, आज तू बचेगी नहीं। फिर मैं अपने घर आई भाग के तो घर में कोई नहीं था, फिर मेरे छोटे भाई से फ़ोन लगवाया थाने में तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं मिली। फिर मैं 1 बजे थाने गई तो थाने में बैठी थी 4 बजे तक, 4 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं, बस आसपास गाली दे रहे थे मेरे घर के। आपने मना किया था? मैं कुछ नहीं बोली, वो चले गए थे, मैं फिर नहाने गई तो गाली देने लगे कुआं के पास। 11:30 कल शिकायत करने आप थाने गई थी? हाँ थाने गई थी। बोले कुछ नहीं, बोले तुम आवेदन लिख के दो, तो मैं आवेदन लिखी, तुम मेरे द्वारा आवेदन लिखाई गई, फिर कुछ नहीं हुआ उसमें, कोई कार्रवाई नहीं की। बोले हैं कि वहाँ अभी फोन लगा के बताएंगे वहाँ अत्रैला, हाँ बोलेंगे दोनों पक्ष को बंद कर देंगे, मेरे को मेरे पिता श्री को और कुछ नहीं, वो थानेदार अत्रैला के। ये जानकारी लगी थाना प्रभारी से चर्चा की कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि एक थाना अतरेला अंतर्गत ग्राम में एक प्रजापति परिवार था, उन्होंने एक तिवारी परिवार को अपनी सेंटरिंग दी थी किराए पर और उसके कारण से उसको कुछ विवाद था, उसी विवाद पर से एक उनका तिवारी परिवार का युवक है वो प्रजापति लड़की के साथ में मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इस पर से थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक कार्रवाई कर दी गई होगी ऐसा संज्ञान में आया है। पहले वो जो बच्ची थी परिजनों के साथ थाने गई थी और उसके बाद उसका मेडिकल होना है अभी, उसके लिए उनको खबर कराई जा रही है, वो बच्ची अपने परिवार के साथ SP ऑफिस भी आई थी, तब ये मामला संज्ञान में आया था, संज्ञान में आने के बाद पुलिस के थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं, वो तत्काल FIR करके वैधानिक कार्रवाई करेगी। हाँ ये जानकारी में आया कि थाना प्रभारी से संबंध पूछताछ की जा रही है, अलग से उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्या कारण था, बता दिया ना, इसमें पता करके जांच करके इसमें क्या कारण था उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा। इस संबंध में जिस तरह से आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं और इतना जल्दी पुलिस एक्टिव नहीं होती है, अगर कार्रवाई समय रहते कर दे तो फरियादियों को इतना भटकना, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जिस तरह से फरियादी थाने पर आते हैं और वीडियो वायरल होने के बाद जो बता रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है आप जानते ही हैं, ये कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है उसका वीडियो आ जाता है,
तो आपके माध्यम से फरियादियों से गुजारिश है कि जब भी कोई इनके साथ घटना घटती है निश्चित रूप से थाने पहुंच जाए, और थाने पहुंच के वहां से अगर सुनवाई तत्काल नहीं होती है तो उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, अंडे डायल है और दूसरे संसाधन है, फोन है, अधिकारियों के फ़ोन भी सारे ओपन है, फ़ोन कर दें, सभी अधिकारी इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत GMH एवं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक नर्सेज की नई भर्ती हुई, जिनके लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला नर्सेज ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सभी नर्सेज को बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोरोना काल में अच्छा काम करने वाली नर्सेज को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि रीवा में संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल के साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, लेकिन पर्याप्त नर्सें न होने के कारण कई बार बीमार व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उपचार नहीं मिल पाता था। नर्सेज की कमी के चलते चिकित्सक भी ज़्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन अब नई भर्ती में आई नर्सेज ने चिकित्सकों का काम तो आधा ही कर दिया है, साथ ही मरीजों को भी समय पर दवा सहित अन्य उपचार भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि 316 नई नर्सेज की भर्ती हुई है, जिसमें 214 नर्सेज गांधी मेमोरियल अस्पताल और 102 नर्सेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रीवा विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, जिले के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के साथ मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर एवं पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर PC द्विवेदी सहित चिकित्सक स्टाफ उपस्थित रहा। पूर्व मंत्री ने नई नर्सेस को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने काम को करें। इंसान की प्रशंसा चेहरे को देखकर नहीं होती, बल्कि उसका काम देखकर लोग प्रशंसा करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। 5 लोगों को इन्हें टेक केयर कर सकते हैं, बट आपका कहीं ना कहीं 10 लोगों को टेक केयर करना है तो ऑटोमेटिकली कैरिंग में ना और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में ना कमी आती है। मेरे हिसाब से वो एड्रेस हुआ है। सो ऐसे यंगस्टर्स आप लोगों का सामने भी ना बहुत ज़्यादा चैलेंज है, चुनौती है। हो सकता है इन्वायरमेंट आपके हिसाब से ना हो, नए नए आप जॉब में आए हैं, सो इस एनवायरमेंट को अडाप्ट होना और उसमें इन्हें बेस्ट देने के लिए कोशिश करना। जैसे कोर वैल्यूज अगेन नर्सिंग में होता है, जनरली ह्यूमन डिग्निटी है ना, उसमें फर्स्ट आता है। हर व्यक्ति को इन्हें डिग्निटी है, वो कोई भी हो। अभी जैसा डॉक्टर इंदुलकर ने बताया कि 2015 से 30% जो नर्सिंग के पद थे वो खाली थे। 2015 से 30% मतलब यदि 650 पद थे तो 200 पदों की भर्ती कभी हुई है, इसका मतलब वो थर्ड। और सुपर स्पेशलिटी जो 2019 में शुरू हुआ उसमें 90% पदों की भर्ती करना एक इतनी बड़ी चुनौती थी, इसका अंदाज हम लोग इससे लगा सकते हैं कि पता नहीं कितनी बार ये मामला हाई कोर्ट गया, सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में गया, लेकिन जहाँ चाहा होती वहाँ राह को निकलना पड़ता है। और इसलिए अंततः जीत मेडिकल कॉलेज रीवा की हुई और आप सबों की भर्ती संभव हो पाई, इसलिए आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। 300 लोगों की भर्ती हुई, आवेदन 10,000 थे, 10,000 लोगों में 300 लोगों की भर्ती, जितने लोगों की भर्ती हुई है वो भाग्यशाली नहीं है तो और क्या है। लेकिन अगर आपको संजय गांधी अस्पताल की और सुपर स्पेशलिटी के भाग्य को बुलंदी पर ले जाना, ये चुनौती है आपके साथ और कोई काम असंभव नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को तबीयत से उछालना पड़ता है। और हम लोगों ने ये कहा कि इस पूरे संजय गांधी को खाली करा के और सुपर स्पेशलिटी में मेडिकल सर्जरी और मेडिसिन को शिफ्ट कर दिया, पूरा कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया, जितने डॉक्टर्स चाहिए थे फटाफट वार्ड बॉय का अरेंजमेंट, सिस्टर का अरेंजमेंट कर दिया, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी। हर शिफ्ट में 8-8 घंटे की जो शिफ्ट बनाई गई उसमें 50-50 60-60 डॉक्टर सीनियर जूनियर मिला के
सिस्टर, उस समय ये तय हुआ कि यदि ओरिएंटेशन किया जाए 8 घंटे ड्यूटी करना है तो कैसे करना है। हमारे डीन साहब उस समय जिसको देखो वो डॉक्टर इंदुकर को फोन लगा रहे थे, ऑक्सीजन परेशानी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड। हमने कहा भाई एक व्यक्ति को कितना काम बताएंगे, और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 8-8 घंटे के लिए 3 अलग बेड टीम बना दिया जाए कोरोना के कारण। चीज़ें ठीक हो गई, उसका इतना ज़बरदस्त परिणाम मिला है कि हमारे शिफ्ट जो इंचार्ज थे, शिफ्ट के जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, और सभी को कलेक्टर साहब तो खुद ही गए सभी ओरिएंटेशन कार्यक्रम में। जूनियर डॉक्टर का अलग ओरिएंटेशन, सीनियर डॉक्टर का अलग ओरिएंटेशन, नर्सेस का अलग ओरिएंटेशन, वार्ड बॉय का अलग ओरिएंटेशन, आपको कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या काम आपको करना है और क्या काम आपको नहीं करना है। 8 घंटे के अंदर वो भी खुश हुए, हमें तो कई वार्ड बॉय मिले और कई डॉक्टर्स मिले, सीनियर डॉक्टर, हमने कहा कमाल कर दिया, बदनामी नहीं हुई रीवा की इस कोरोना में। अब किसी कोई किसी का ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो के आया कि उसको हम भले ना बचा पाए हों, लेकिन जो बच सकता था उसको बचाने का काम रीवा में हुआ, इस बात का लेके हम लोगों को बहुत गर्व है। जन नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी की पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, चौथर सेमरिया गुड़ विधायक सहित कई दिग्गज नेता, क्षेत्रीय जनता की उपस्थित में श्रद्धांजलि देकर वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर कृषि उपज मंडी से निर्वाचन की राजनीति सफर तय कर विधानसभा में विधायक चुनकर मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले, चौथर के हरित क्रांति के जनक, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद रीवा तथा चौथर के विधायक, गुढ़ विधायक, सेमरिया विधायक सहित विंध्य इलाके के वरिष्ठ नेता और लोग उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी एक साधारण परिवार से राजनीति में आकर गरीबों की पीड़ा समझने वाले कृषक नेता के रूप में कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बने। फिर स्वर्गीय श्री तिवारी 1989 में प्रथम बार चौथर से विधायक चुने गए, 4 बार चौथर विधानसभा से जीत हासिल की, विधायक बने। फिर उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती के सरकार में मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पशुपालन मंत्री आदि विभागों का उत्तरदायित्व दिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी का स्मरण आते ही एक ऐसे नेता की छवि सामने आ जाती है जिसे लोग अपना सहारा मानते थे। पशुपालन मंत्री रहते हुए स्वर्गीय श्री तिवारी ने बड़ी सौगात दी थी, रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय उन्हीं की देन है। उनके द्वारा रीवा चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी गई और चौथर विधानसभा में चौमुखी विकास किया गया, चाहे सिंचाई की नहर हो, रोड हो, सब कुछ उनके द्वारा निर्मित करवाया गया। आइए सुनते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। स्वर्गीय तिवारी जी का नाम स्मरण में आते ही एक ऐसे नेता की छवि सामने आ जाती है जो जिसको लोग अपना सहारा मानते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी को बड़ा संरक्षण मिलता था इस इलाके में, चालघाट के इलाके में, देवघर के इलाके में। श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी के द्वारा वो एक ना सिर्फ जन्म से जुड़े हुए नेता थे बल्कि एक दबंग नेता थे, और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बड़े बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ उठाते थे और पूरी ताकत से इसका सामना करते थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत चारघाट के कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष के नाते जो की, बाद में वो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे, और मंत्री रहने के दौरान उन्होंने रीवा जिले को एक बड़ी सौगात दी
पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने पशु चिकित्सालय रीवा में नहीं था, पशु महाविद्यालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात जो उन्होंने रीवा को दी है वो लंबे समय तक रमाकांत तिवारी जी की याद दिलाता रहेगा। कई उन्होंने पुल पुलियों का निर्माण कराया, त्योथर लिफ्ट इरिगेशन के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की और विकास के प्रति भी और समाज में हर वर्ग में के दिलों में अपना स्थान बनाने में श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी ने जो सफलता प्राप्त की है उनकी एक सफल राजनीतिक यात्रा मैं मानता हूँ। और इसीलिए जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हजारों लोग उमड़ पड़े थे, मुझे याद है। और आज भी मैं देख रहा हूँ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर क्षेत्र के कोने कोने से लोग आके उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। राजनीति के जो आज का रास्ते इस रास्ते से हालांकि हट करके रास्ते में चलने वाले थे और वो रास्ता था जन समस्याओं के लिए संघर्ष का, किसी के सामने सुनना है, हर हालत में जन समस्या के निराकरण के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करने का एक संघर्ष की लाइन जाने की है। आज तक नई नई लाइनें आ गई, नई नई चीजें आ गई और इसलिए वो इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अटूट परिश्रम करते हैं। और मैंने उनको परिश्रम को कल भी देखा है, वो गायक थे हम नहीं, हम दोनों साथ साथ काम करते थे, मंगमा में कर रहे थे, पेपर में कर रहे थे। एक दिन में हम लोगों की आदत थी कि जब निकलते थे तो जैसे गर्मी के टाइम में शादी ब्याह का अवसर होता तो हर आदमी के सामने द्वार पूजा में पहुँच नहीं सकते, किसी के यहाँ द्वार पूजा में, किसी के यहाँ चढ़ाव में, किसी के यहाँ। एक दिन में लाल गांव में कन्यादान जब हो रहा था उस समय 3-4 बजे के आसपास हो, तो मैंने देखा भैया भी 4 बजे गाड़ी लेकर के आ गए, फिर दोनों एक साथ बैठे। इस तरह का संघर्ष करना, लोगों के संपर्क करना, लोगों के हृदय में बसना कोई कर सकता है और वहाँ काम करवा कर सकता है, मुझे खुशी है इस बात के लिए कि मैं उनके लिए सुधार से मुझे अवसर मिला। इस तरह पता नहीं कैसे रुक गया था, उतना जल्दी हमारे बीच से ले गया, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था और ज़्यादा जल्दी का अवसर से ज़्यादा विकास का ज़्यादा हो सकता है। फिर भी उनके जो सपने हैं उसको भारतीय जनता पार्टी या उनके परिवार की ओर उसको पूरा करने का प्रयास। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।